अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं देख रहा हूं पंडाल के नीचे तो हैं ही लोग, लेकिन हमें ऐसे भी कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आज गर्मी की परवाह नहीं है। ये सूरज जो गर्मी बरसा रहा है उसकी परवाह नहीं है। सर पे अंगोछा है, कुछ न कुछ ढका है, उसके बावजूद भी ये जोश और पार्टी के प्रति और गठबंधन के प्रति आपका जज्बा दिखाई दे रहा है। ये जिंदाबाद के नारे और ये चेहरे पे खुशी बता रही है कि इस बार यहां से गठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। बताओ साथियों, जीतेंगे अच्छे वोट से कि नहीं? ये जोश आपका कम नहीं होना चाहिए वोट की तारीख तक। ये जोश ऐसे ही बना रहे, इसलिए हम विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं आपसे कि ये चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। साथ ही साथ हमारे किसान, गरीब और नौजवानों के भविष्य का भी चुनाव ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज जब हम फैसला लेने के लिए खड़े हैं, जब हम फैसला लेने जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझ करके फैसला लें। और जिस समय आप आकलन करेंगे, सोच समझ करके फैसला लेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ छल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले झूठ बोला था, आज भी जमीन पर कुछ नहीं उतार पाए हैं। बताओ 5 साल का हिसाब किताब लोगे? लेकिन 2 साल आपको बाबा मुख्यमंत्री के भी जोड़ दो तो बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति कर रहे हैं। बताओ डर की राजनीति से घबराएगा तो नहीं कोई? सुना है यहां पर डर के भी काम लेना चाहते हैं, डरा के भी काम लेना चाहते हैं। बताओ डरोगे और घबराओगे तो नहीं? ये गठबंधन के लोग डरने वाले नहीं हैं। ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। बताओ किसानों का क्या भाग्य बदला? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे। इन्होंने कहा किसानों को हम लाभकारी मूल्य देंगे, लागत का 1.5 गुना हम मुनाफा देंगे। अगर हमारे किसान भाई आए हैं तो वो जानते हैं, चाहे कोई फसल पैदा की हो, भारतीय जनता पार्टी के समय पर उनको मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हुआ, धोखा हुआ और उनकी आय नहीं बढ़ी, आय में भी उनको धोखा मिला है। हर चीज महंगी कर दी, महंगाई बढ़ा दी, ये डीजल पेट्रोल सब महंगा कर दिया, सफाई के नाम पर पैसा लेकर के महंगा कर दिया। हमारा किसान दुखी है, बर्बाद हो गया। अरे ये अभी चौकीदार वाली बात बाद में आएगी, रुक जाओ अभी। ए ये हमारे साथी
तो मैं एक नहीं, ये बात समझ में आ गई, ये जो लोग कह रहे हैं ये बात समझ में आ गई है सबको। ये जो हमारा नौजवान साथी कह रहा है ये बात सबको समझ में आ गई है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? जो लोग चाय वाला बन करके आए थे, चाय वाला बन करके आए थे, अब चौकीदार बन करके आ रहे हैं। चाय का नशा उतर गया है लोगों के अंदर, अब चाय का नशा नहीं बचा है। और अगर ये बात जान गए हो तो चौकीदार की ये चौकी छीनने का भी चुनाव है। बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे आप लोग? ये तो चौकीदार की बात हो गई, लेकिन आपके लखनऊ में भी कोई है बाबा मुख्यमंत्री, और उन्होंने ठोको नीति चलाई, ठोको नीति, और ठोको नीति ऐसी चलाई कि हमारी जनता को और पुलिस को यही नहीं पता किसको ठोकना है। अगर पुलिस को मौका मिल गया तो गरीब जनता ठुक गई हमारी, और कभी जनता को मौका मिल गया तो उन्होंने पुलिस को ठोक दिया। बताओ उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री ने ठोको नीति चलाई कि नहीं चलाई? तो केवल चौकीदार हटाओगे क्या, ठोकीदार भी हटाओगे? जब चौकीदार ठोकीदार हट जाएंगे तो ये तीसरे एक और हैं धमकीदार। सुना है यहाँ पर धमकीदार भी हैं, और धमकीदार ये कहते थे कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। उनका वचन भी देख लिया इस बार हम लोगों ने जब चुनाव हुआ था। हमारे पत्रकार साथियों बताओ, यही तो कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बताओ वचन चला गया कि नहीं चला गया? तो इसलिए चौकीदार ठोकीदार और धमकीदार को भी इस बार सबक सिखाने का काम करना है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई महागठबंधन की है, और हमारे नौजवान साथियों जहां किसान बर्बाद हुआ है। बताओ नौजवानों तुम्हें कोई नौकरी मिली हो तो बताओ? तुम्हारे रोजगार छीन लिए, और जब आपने रोजगार की बात कही तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप जाओ पकौड़े बनाओ। बताओ पकौड़े बनाओगे? तो ये जिन्होंने सिखाया है पकौड़ा बनाना, उनके खिलाफ भी आपको एक एक वोट और मतदान करने का काम करना है। ये बहुत सोचा हमने कि आखिरकार ये क्यों कहा इन्होंने, कभी सोचो आप पकौड़े बनाने के लिए क्यों कहा? पत्रकार साथियों बड़े अध्ययन के बाद पता लगा है, ये सोच समझ करके इन्होंने कहा, और इसलिए कहा कि अगर पकौड़े बनेंगे तो हमारा रिफाइंड तेल खूब बिकेगा, रिफाइंड तेल जो खाने वाला है, और भारत में जो रिफाइंड तेल आ रहा है खाने वाला वो सब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का आ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं बताओ, हम आपसे जानना चाहते हैं बताओ, रिफाइंड तेल के पकौड़े अच्छे होते हैं कि सरसों तेल के अच्छे होते हैं? और जानबूझ करके ये हमें आपको उलझा रहे हैं जिससे आप विदेशों का तेल खाएं। बताओ रिफाइंड तेल खा रहे कि नहीं खा रहे विदेश का? अगर खा रहे हो तो छोड़ देना, घी खाइए, सरसों का तेल खाइए, तब जा करके आप देश तरक्की करेगा और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। अगर ये रिफाइंड विदेशी खाओगे तो तरक्की नहीं कर सकते। ये जानबूझ करके हमें और आपको उलझा रहे हैं। और देश के 5 साल का हिसाब किताब लगाओ, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं। आपको प्रचार मंत्री चाहिए क्या देश का प्रधानमंत्री चाहिए?
और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम नया देश बनाएंगे, 21वीं सदी का देश बनाएंगे, 21वीं सदी का देश, 21 सदी का देश अगर नया देश बनाएगा कोई तो वो वही बनाएगा जो देश में नई सरकार बनाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नया देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये गठबंधन के लोग नई सरकार बना करके, नया देश बना करके और देश को नया प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। बताओ ये पुराने प्रधानमंत्री फेल हो गए कि नहीं हो गए? क्या वो याद है आपको नोटबंदी? यही कहा था कि नोटबंदी होगी तो हमारे गरीबों को लाभ पहुंचेगा। ये कहा नोटबंदी से कि काला धन आएगा। बताओ गरीब भाइयों किसानों कितना काला धन वापस आ गया? आपने सब नोट जमा करा दिए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और अगर हिसाब किताब लगाया होगा आपने तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। समाजवादियों ने 102 108 एम्बुलेंस चलाई, लेकिन ये एम्बुलेंस भी खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी आपकी सुरक्षा के लिए, आपको न्याय मिल जाए, आपकी मदद करे पुलिस, उसके लिए 100 नंबर व्यवस्था की थी और दुनिया और देश की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी पुलिस को। और इसलिए व्यवस्था दी थी कि अगर गरीब किसान हमारा कहीं तकलीफ में है, संकट में है, अगर फोन कर देगा तो पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी और मदद करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 100 नंबर भी बर्बाद कर दिया। जो बुराई पहले थी वो आ गई बुराई के नहीं आ गई 100 नंबर में, ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे। ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आती, उन्होंने बर्बाद कर दी। आज पुलिस को वही पुरानी बीमारी है जिसको हटाने के लिए 100 नंबर शुरू किया था। और कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो कौशाम्बी जिले की है। आए दिन कितनी घटनाएं हो रही हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, और सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी पे लग रहे हैं तो वही हमारे दलित पिछड़े उन पे सबसे ज्यादा मुकदमे, ये कोई लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। बताओ मुकदमे लग रहे कि नहीं लग रहे झूठे? सबसे ज्यादा हम पर और आप पे मुकदमे लग रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जहां है न्याय दिलाने का भी चुनाव है। ये पुलिस जिसमें भर्ती शुरू कर दी थी समाजवादी लोगों ने, हमने ऐसी व्यवस्था की थी नौजवान साथियों जहां पर परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी, परीक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, 10वां 12वां के नंबर और दौड़ के जो दिखा देता था वो पुलिस में भर्ती करने का इंतजाम किया था, इन्होंने बदल दिया। लेकिन हम नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, आज नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। अगर दिल्ली में हमें मिलिट्री पैरामिलिट्री में भी यही व्यवस्था करनी पड़ी कि 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा करके भर्ती, तो दिल्ली में भी यही समाजवादी लोग गठबंधन के लोग करेंगे। ये इंतजाम करना चाहते हैं नौकरी और रोजगार का। लेकिन बताइए आप, समाजवादी पेंशन शुरू की गई थी, गरीबों को समाजवादी पेंशन मिलना शुरू हो गई थी अपनी माताओं बहनों को, इन्होंने छीन ली कि नहीं छीन ली? ये हम बच्चों को दूध देते थे स्कूलों में, वो भी छीन गया। लैपटॉप बटे थे अगर याद हो हमारे नौजवानों को, समाजवादी सरकार थी तो लैपटॉप बांटे थे। और जिस गांव में मिला होगा उस समय आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। बीजेपी लोगों ने कहा कि हम भी बांटेंगे लैपटॉप। बताओ किसी पे बांटा, किसी को मिला इनकी सरकार में? और सोचिए इसलिए नहीं मिला कि बाबा मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते, इसलिए वो देना भी नहीं जानते।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जहां आम लोगों को दुख पहुंचाया है, वहीं जानवरों को भी दुख पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अभी अखबारों में पढ़ा होगा आपने, हरदोई में एक सांड आ गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने। बहुत कोशिश की पुलिस ने रोक लें, लेकिन सुरक्षा का जो घेरा लगा था उसको तोड़ करके सीधा हेलीपैड में घुस गया सांड। बाद में जानकारी हुई तो वो सांड शिकायत करना चाहता था, अपनी शिकायत लेकर के पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा लिया। दूसरा सांड फिर कन्नौज में पहुंच गया, हेलीपैड में घुस गया, पुलिस बहुत रोकती रही उसको, पुलिस नहीं रोक पाई। होमगार्ड गया उसको, वो भी नहीं रोक पाया। एम्बुलेंस लगाई वो भी नहीं रोक पाई। फायर ब्रिगेड लगाई उससे भी नहीं रुका। जब उसे समझाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का हेलीपैड नहीं है, वो समझ गया और चुपचाप चला गया। बताओ इनकी सरकार में सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? आपको अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही थी कि नहीं करनी पड़ रही थी? बर्बाद कर दिए इन्होंने खेत और हमारे किसानों को बना दिया चौकीदार। इसलिए बहुत सोच समझ के मतदान करना है आपको। ये लोकसभा का चुनाव ये लड़ाई हमारी उनकी है। ये जो साथी हमारे कह रहे हैं ये लड़ाई उनकी और हमारी है, ये आपकी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई इसलिए है, हमारे नौजवान समझ लें और हमारे साथी समझ लें, ये लड़ाई इसलिए है कि कभी भी कोई सरकार बदली होगी तो कभी किसी मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री का घर गंगाजल से नहीं धुलवाया होगा। लेकिन यही बाबा मुख्यमंत्री ने, जब हम वहां से निकले तो मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया और बदनाम करने के लिए क्या किया। वैसे तो पत्रकार साथी बहुत काम करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, रात भर इन्हें काम करना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। लेकिन लखनऊ के प्रेस के लोगों को सुबह ही 8 बजे उठा दिया और हमारे घर पर भेज दिया और क्या बताया कि हम वहां से टोंटी निकाल के ले गए हैं। हमें बदनाम करने के लिए पहले गंगा जल से धुलवाया घर, फिर टोंटी से बदनाम किया, तो हमने भी तय कर लिया है कि आने वाले समय में 2022 में आपसे हम निवेदन कर रहे हैं हमारी मदद करना, सरकार हटाएंगे और मुख्यमंत्री आवास में वही अधिकारी जाएंगे, वो ढूंढेंगे और तब तक नहीं उन्हें बाहर निकलने देंगे जब तक वहां से कोई छिलम न ढूंढ करके ले आए। अगर ये टोंटी ढूंढवा सकते हैं, बताओ हिसाब किताब बराबर है कि नहीं है? अगर ये टोंटी ढूंढवा सकते हैं तो हम भी समाजवादी हैं, हम भी छिलम जब तक नहीं मिलेगी तब तक अधिकारी ढूंढते रहेंगे। इसलिए सोचिए क्या साजिश है आपके और हमारे खिलाफ। कभी सोचो कैसी साजिश है हमारे और आपके खिलाफ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए ये कह सकते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते, बताओ ये कहा कि नहीं कहा मुख्यमंत्री ने? तो सोचो हमारा तमाम गरीब है, जो कोई बकरी चरा रहा होगा, भेड़ चरा रहा होगा, उनके बारे में क्या सोचते होंगे। कोई ठेला लगा करके अपनी जीवन यापन कर रहा होगा, उसके बारे में क्या सोचते होंगे। कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा होगा, उसके बारे में क्या सोचते होंगे।
सोचो और लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। तो हमने भी कह दिया अगर संविधान नहीं होता तो सोचो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहीं जाकर के मठ में घंटा बजा रहे होते। और अगर हम भैंस चरा रहे होते तो दिल्ली और लखनऊ वाले तो जानते हो क्या कर रहे होते। इसलिए साथियों हम आपसे निवेदन करने आए हैं, बहुत साजिश है, बहुत षड्यंत्र हैं। संविधान से जो थोड़े बहुत अधिकार मिले थे कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएं, संविधान ने हमें हक मिला, संविधान ने हमें थोड़ा बहुत सम्मान दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बना उसने थोड़ा बहुत हमें आजादी दी, और आजादी दी इस बात की कि हम पढ़ लिख लें और नौकरी पा जाएं, वो अधिकार मिले हमें संविधान से। लेकिन बीजेपी के लोगों ने साजिश की, आपके अधिकारों के भी छीनने की साजिश हो रही है। आपका आरक्षण मिला उसकी भी छीनने की साजिश कर रहे हैं लोग, षड्यंत्र कर रहे हैं। बताओ षड्यंत्र है कि नहीं है? हम ये नहीं कहते कि अगली जाति को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, अगर 10% दिया है अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं इसके साथ साथ हमारी जातियों में झगड़ा मत कराओ। कभी यादव के खिलाफ कुर्मी लड़ा दिया, कभी यादव के खिलाफ किसी और में नफरत फैला दी, कभी यादव के खिलाफ साग के मौर्य में नफरत फैला दी। हम चाहते हैं कि सभी जातियों की गिनती हो जाए और गिन करके आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिल जाए। सोचो कभी क्या गलत है अगर हम और आप सब गिन लिए जाएं? कोई गलत नहीं है। ये जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है ये। क्या आपको नहीं पता इन्हें कितना अपमानित होना पड़ा लखनऊ में? वैसे तो ये बड़े वो हैं, अजीब किस्म के आदमी हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता। बताओ पत्रकार साथी उप मुख्यमंत्री क्या होता है? कोई पद नहीं है, एक झूठा पद दे दिया। और एक बार जाकर के एनएक्ससी में बैठ गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि हमारी कुर्सी पर बैठे हैं, तख्ती लगवा ली बाहर। जैसे ही मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने वो तख्ती हटा दी, वो कुर्सी हटवा दी, आज तक दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। बताओ पत्रकार साथियों अपमानित होना पड़ा था क्या नहीं होना पड़ा था? अपमानित होना पड़ा। और अगर उप मुख्यमंत्री हैं तो कोई फाइल देखने को मिली आजकल दूसरे विभाग की? कौशाम्बी का कोई नया विकास योजना लाए पड़ी कोई? सब रोक दी, जितनी योजनाएं थी रुक गई सब। गांव में जैसे कभी कभी जानवर को गला घोटू बीमारी होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को काम रोकू बीमारी है। अगर काम चल रहा होगा तो तुरंत काम रोक देंगे। हमसे यहां के प्रधान मिले थे कभी, हमें यहां के प्रधान मिले थे, उनकी शौचालय की जांच हो गई, उन्हें कार्रवाई कर रही थी सरकार। हमने सुनी उनकी बात, बताया उन्होंने कि हमें शौचालय में फंसा रहे हैं लोग। सोचो कैसे शौचालय बना रही हैं लोग। पहले शौचालय बनता था एक गड्ढे का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे दो शौचालय का। बताओ इनके उप मुख्यमंत्री और सरकार ने पानी दिया है कि शौचालय में क्या नहीं दिया है? और अगर शौचालय में पानी नहीं होगा तो शौचालय में जाओगे कैसे, ये बताओ हमें आप। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ध्यान से बात सुनना, इनकी शौचालय से शुरू होती है बात और शौचालय पे ही खत्म हो जाती है। कोई नया काम नहीं, कोई नए फैसले नहीं। जो चल भी रही थी गरीबों के लिए योजना वो सब रोक दी, विकास रोक दिया, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। एक बार अंग्रेजों ने लड़ाया था और देश में राज करने का काम किया था, उसी तरीके से ये बांट कर करके हमें और आपको दूरियां बना करके राजनीति करना चाहते हैं।
इसीलिए हमने गठबंधन किया है। कोई नहीं सोचता था कि गठबंधन हो जाएगा, और ये गठबंधन इसीलिए हुआ है जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिन्हें आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिल पाया है, उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए ये महागठबंधन करने का काम किया है। ये महामिलावट गठबंधन नहीं है, बीजेपी के लोग समझ लें, ये महापरिवर्तन वाला गठबंधन है। महापरिवर्तन गठबंधन देश को नई सरकार और देश को नया प्रधानमंत्री देने वाला गठबंधन है। आप चाहते हैं कि देश में नई सरकार बने या नहीं बने, बताओ आप। तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं, आपसे अपील करना चाहते हैं, हम आपसे विशेष निवेदन अपील करना चाहते हैं। बताओ, इंद्रजीत सरोज जी से बड़ा कोई नेता है क्या? और अब तो सपा बसपा एक हो गई, अब कौन सा झगड़ा बचा है बताओ आप? डर तो नहीं जाओगे आप? अगर हम नहीं डर रहे हैं तो आप कैसे डर रही हो बताओ आप? ठोकीदार से तो नहीं डर जाओगे? तो एक बात याद रखना, लोग साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, धमकी देंगे, बताओ घबराओगे तो नहीं? और 5 साल और 2 साल में इन सरकारों ने बहुत धोखा दिया है आपको, आपका जीवन कहां खुशहाली के रास्ते पे जाना था इन्होंने रोक दिया है, हमारे नौजवानों के सपने मार दिए, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, निराशा की तरफ ले जा रहे हैं। आप इस निराशा को दूर करिए, ये डर की राजनीति खत्म करिए, नफरत की दीवार गिराइए और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज जी को जिताने का काम करना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये पक्का वाला जिताना, ये जिताइए आप। ये गठबंधन देश का इतिहास बनाने जा रहा है, कभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साथ मिलकर के काम करना चाहते थे, उसी लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया है, उसी रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं कि आज ज्यादा आबादी वाले लोग दुखी हैं, उन्हें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर इंद्रजीत सरोज जी जीत करके जाएंगे तो आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए, मदद करिए, एक एक वोट इनके पक्ष में डालिए। अभी जब जितने चरण में चुनाव हुआ है, महागठबंधन आगे है, और महागठबंधन आगे है इसीलिए बीजेपी के नेताओं की भाषा बदल गई है, लगातार भाषा बदल गई। प्रधानमंत्री आएंगे लेकिन अब से अच्छे दिन की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे लेकिन 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात नहीं करेंगे। दुनिया घूमाए लेकिन ये नहीं बताएंगे कि दुनिया में हम आज पिछड़ते चले जा रहे हैं, दुनिया में जहां देश हमसे आगे चले गए 30-30 साल में, 40 साल में तरक्की और खुशहाली के रास्ते में चले गए, लेकिन हमारा देश लगातार पीछे चला जा रहा है ये नहीं बताएंगे। हम भुखमरी के आंकड़ों में पीछे जा रहे हैं, भुखमरी के आंकड़े दुनिया के अगर देखें तो हमारा देश और पीछे चला जा रहा है। इसलिए तमाम सवालों के जवाब आपको इस चुनाव में देने हैं और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके अपने हक और सम्मान की लड़ाई को मजबूत करना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं, क्योंकि इंद्रजीत सरोज जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा। जिनपे अनुभव है, काम किया है, मंत्री रह करके काम किया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए हम अपने नेताओं से भी कहेंगे, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहेंगे
ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, अपने किसानों का भाग्य सुधारने का चुनाव है। और नौजवानों, तुम्हारे जीवन अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, इसका भी चुनाव है। इसलिए इंद्रजीत सरोज जी को साइकिल चुनाव पर एक एक वोट डाल करके इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस दिन वोट पड़ेंगे सबसे ज्यादा वोट इंद्रजीत सरोज जी के होंगे। बहुत बहुत बधाई, जय समाजवाद, जय भीम, और आगे की लड़ाई आपकी दिल्ली की होगी। बहुत बहुत बधाई।